गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आपके या आप में से बहुत बच्चों के घर में पालतू जानवर तो होंगे, जैसे डॉग, या किसी के घर में कैट या काऊ, या फिर किसी के घर में पक्षी होंगे, पैरट, हेन। इस लेसन में एक वॉशरमैन है, वॉशरमैन मीन्स धोबी, जिसके पास एक डोंकी है और एक डॉग है। डोंकी जब देखता है कि मालिक या वॉशरमैन जो है डॉग को उठाकर अंदर ले जाता है, तो वो सोचता है कि मैं भी अगर डॉग की तरह बिहेव करूं, हरकतें करूं, तो मास्टर मुझे भी अंदर ले जाएंगे। वॉशरमैन समझ जाता है और वो बहुत प्यार से डोंकी को समझाता है कि वो उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना कि डॉग से। इस लेसन में यही मैसेज है कि हमें, वी शुड नॉट एक्ट लाइक अदर्स। हमें ने बिना सोचे समझे दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर बिहेव नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट एंड यूनिक। क्योंकि हम सभी अलग हैं, अपने किस्म के एक हैं। तो आइए अब इस लेसन को पढ़ते हैं और उससे पहले इसके वर्ड मीनिंग समझते हैं। लोड, भार, शेड, छप्पर, लिग्ड, चाटा, लिफ्टेड, ऊपर उठाया, पैटेड, थपथपाया। इसके अलावा जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें देखते हैं। इनसाइड, अंदर, जंप, कूदना, मास्टर, मालिक, हैवी, भारी, श्योरली, पक्का। अब हम पढ़ते हैं लेसन 4, द डोंकी एंड द डॉग। डोंकी मीन्स गधा, डॉग तो यू ऑल नो। ए वॉशरमैन हैड ए डोंकी एंड ए डॉग। वॉशरमैन मीन्स धोबी। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। हर सुबह ही यूज टू गो टू द रिवर, वो नदी पर जाता था टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए। द डोंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। डोंकी या गधे पर वो कपड़ों का बोझ, लोड मीन्स बोझ, लाद कर ले जाता था। ही यूज टू लिव इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। डोंकी जो है वो रहता था शेड में, एक जो घर बनाया गया था उसके लिए, आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, धोबी के घर के बाहर, अपने मालिक के, मास्टर्स हाउस मीन्स मालिक के घर के बाहर। एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। और जो डॉग था वो घर के इनसाइड मीन्स अंदर अंदर ही रहता था द होल डे लॉन्ग, पूरे दिन। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। शाम में जब धोबी वापस आता था, वॉशरमैन वापस आता था, तो द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। डॉग अपने मालिक को देखकर बहुत खुश होता था। ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जम्प ऑन हिम। लिक मीन्स चाटना। तो वो डॉग क्या करता था, वो अपने मास्टर को, मालिक को प्यार में चाटता था और उसके ऊपर कूदता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इन साइड द हाउस। मास्टर क्या करता था, मालिक उसका, वो डॉग को अपने बाहों में लेके, अपने आर्म्स में लेके, गोदी में उठा के उसको टेक हिम इनसाइड द हाउस, उसको घर के अंदर ले जाता था। सीइंग दिस द डोंकी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। इस बात को देखकर डोंकी को भी लगता था कि मैं भी घर के अंदर ही रहूं। मे बी इफ आई ऑल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इन साइड द हाउस। वो सोचने लगा कि अगर मैं भी, इफ आई ऑल्सो जम्प ऑन हिम, अगर मैं भी उसके ऊपर कूदू लाइक द डॉग, डॉग की तरह, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू, वो मुझे भी, लिफ्ट मीन्स उठाना, वो मुझे भी उठाएंगे इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में, एंड कैरी मी इन साइड द हाउस, और ले जाएंगे घर के अंदर, इन साइड द हाउस, घर के अंदर। द डोंकी थॉट, डोंकी ने सोचा।
The next evening, the donkey went inside the house. अगली शाम को डोंकी घर के अंदर गया. He jumped on his master. वो उसने जंप किया अपने मास्टर पे and began to lick him. और उसको डॉग की तरह ही लिक करने लगा, चाटने लगा. The master did not lift the donkey. He took him to the shed. मास्टर ने क्या किया, उसने डोंकी को नहीं उठाया. Did not lift the donkey. He took him to the shed. और उसे वापस शेड में ले गया जहां डोंकी रहता था. Patting the donkey, the master said to him, डोंकी की पीठ पे थपथपाते हुए मास्टर ने कहा, You are not like the dog. तुम डॉग के जैसे नहीं हो. You are much bigger. तुम काफी बड़े हो, उससे काफी बड़े हो. So you cannot come inside the house. तो तुम घर में नहीं आ सकते. तो ये बात मास्टर ने डोंकी को बहुत प्यार से समझाई कि क्योंकि तुम बड़े हो तो तुम घर के अंदर नहीं आ सकते. द मास्टर फर्दर एडेड, यू आर ऑल्सो हैवी. हैवी मीन्स भारी. तुम भी भारी भी बहुत हो. एंड सो यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी. इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर कूदना नहीं चाहिए. क्योंकि अगर डोंकी भारी होने के बाद उस पर कूदेगा तो मास्टर को चोट भी लग सकती है. आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैनॉट लिफ्ट यू. मैं डॉग को तो उठा सकता हूँ पर मैं तुम्हें नहीं उठा सकता. बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग. लेकिन मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं डॉग को प्यार करता हूँ. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट. अंडरस्टैंड मीन्स समझना. तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अलग हो. तो मास्टर जो है डोंकी को समझाने की कोशिश करता है कि उसको डॉग की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जंप करना चाहिए क्योंकि वो बड़ा है, हैवी है, उसको वो नहीं उठा सकता. लेकिन वो उसको भी उतना ही प्यार करता है. वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज वी ईच वन ऑफ अस इज यूनिक. तो इस स्टोरी का मॉरल ये है कि वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स. कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए. एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक. क्योंकि हम सब एकदम अलग अलग हैं, यूनिक हैं.